हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं मोनो ऑडियो के बारे में, जैसे कि मोनो ऑडियो सेटिंग को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में बात करने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेटिंग पर जाना है, तो क्लिक कर लेंगे। सेटिंग पे जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है सिस्टम सेटिंग, तो इस पर आप क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो हो जाएगा, आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक्सेसिबिलिटी वाले सेटिंग पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस नज़र आ जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, थोड़ा सा ऊपर इधर की साइड स्क्रॉल करना है, सॉरी, और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है मोनो ऑडियो, तो इसको हम राइट साइड से ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद आपको देख सकते हैं, जैसे कि चेंज वॉल्यूम बैलेंस, वॉल्यूम बैलेंस को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा वॉल्यूम बैलेंस है। जैसे कि आपने कान में ईयरबड्स लगा रखे हैं या फिर लीड लगा रखे हैं और आप चाहते हैं कि राइट में ज़्यादा साउंड आए तो राइट में कर सकते हैं, लेफ्ट में ज़्यादा साउंड आए तो लेफ्ट में कर सकते हैं। इस तरीके से आप इस सेटिंग को यूज़ कर सकते हैं, और बीच में कर देंगे तो आपका दोनों में बराबर साउंड आएगा। तो इस तरीके से आप इस सेटिंग को यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो एक और तरीका है, उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले सेटिंग पर जाएंगे, सर्च वाले ऑप्शन पे जाएंगे, आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मोनो ऑडियो, तो यहाँ पर सर्च कर लेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका मोनो ऑडियो आ जाएगा और आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।